12 घंटे की ड्यूटी कर दी जाएगी, पीएफ नहीं मिलेगा, एसआई नहीं मिलेगी, जब चाहे मालिक अपना रखेंगे इच्छा अनुसार, जब चाहे निकाल देंगे, मतलब उस तरह का कर रहे हैं कि परमानेंट जॉब खत्म करना चाहते हैं। ये धरना प्रदर्शन का अधिकार छीन लिया है, ये हमारे सारे अधिकार छीन लिया, हमारे जीने का पूरा अधिकार ही छीन लिया है। ना वक्त पे सैलरी मिलती है और बड़ा शोषण हो रहा है जी वहाँ पर करो का। मेरा नाम कमला है, मैं दिल्ली सीआईटी से हूँ, कामगार महिलाओं और आंगनवाड़ी को देखती। पहले भी जितने लेबर कानून है उनका वो लागू नहीं हो रहे थे और 6% पे सिर्फ लागू हो रहे थे। अभी सरकार को वो भी एक दिक्कत है, पूंजीपतियों को वो भी एक दिक्कत है कि जिन पे ये लागू हो रहे हैं उन्हें भी खत्म कर दिया जाए और उनको देश को लूटने का अधिकार दे दिया जाए। इससे एक तरह की गुलामी पैदा होगी, यानी आपकी मर्जी है, आप जब चाहे उसे निकाल सकते हैं, जब चाहे उसे रख सकते। और महिलाओं पे तो ये पहले से होता है कि जब भी कोई कारखाना या ये सब बंद होता है तो उनको छट्टी में सबसे पहले निकालते हैं। और अभी क्योंकि मैं आंगनवाड़ी में काम कर रही हूँ, आशा वर्कर में काम कर रही हूँ, हमने लड़के संयुक्त बहुत सारे आंदोलन किए, जिससे 2013 में ये कानून पास हुआ कि प्रस्तावित श्रम सम्मेलन का, कि 1 करोड़ जो आंगनवाड़ी सारे स्कीम वर्कर, जिसमें आंगनवाड़ी भी है, पैरा टीचर्स भी हैं, सब उन सब को मजदूर बनाया जाएगा, न्यूनतम वेतन दिया जाएगा और पेंशन दी जाएगी और बाकी सामाजिक सुरक्षा लाभ। और अभी जो सरकार लेके आई नीति, उसके अंदर तो आंगनवाड़ी को मजदूर की श्रेणी से ही निकाल दिया है, तो हमें तो लड़ना ही पड़ेगा ना, तो सारा असर तो हम पे है। मैं एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से प्रेसिडेंट हूँ, देवानंद शर्मा। हम एक्चुअली लगातार हम भी यहाँ सेक्टर में दिल्ली नगर निगम में पिछले 25 सालों से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें एक इस दायरे में कभी भी उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल रखा हुआ है जिसमें अपने छोटी छोटी तनख्वाहों पर सारे काम कराए जा रहे हैं, जिसमें चाहे वो दिल्ली सरकार का कोई भी काम हो या SDM का हो, कोविड का हो या डेंगू मलेरिया से संबंधित हो या क्लरिकल हो या हमारे जो आज चल रहा है जिसने क्लरिकल के साथ साथ हमारे जितने भी लोग हैं हर तरह के काम में जुटे हुए हैं, जैसे जनसंख्या गणना हो, पोल्यूशन का काम हो, डिमोलिशन का काम हो, बिल्डिंग का हो, हाउस टैक्स का हो, जबकि एक काम के लिए हमें रखा गया था। आज उन्होंने ऐसा बंधुआ मजदूर टाइप बना दिया है कि आज एक हम मजदूर की तरह एक तनख्वाह में 25 साल से ना तो किसी पद पे हैं, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए एक भी ये समझिए कि निगम के प्रशासन में, तीनों निगम में हमारे 3500 कर्मचारी हैं, उस 3500 कर्मचारी से वो बिना पद के किधर किसी उसके डायरेक्ट अपने साथ में रख के कॉन्ट्रेक्चुअल रख के हमसे ऐसे काम ले रहे हैं जो सारी उनके पास कोई शायद और कोई जगह भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। आज उन्होंने इतना परेशान कर दिया है, वो कर्मचारी इतना परेशान हो गया है कि आज वो अपने पद के लिए भी, अपनी कोई एक मांग के लिए भी आगे आता है तो उसे निकालने देने जाने की धमकी देते हैं। नागेंद्र प्रसाद, मैं मायापुरी क्षेत्र के अंदर काम करता हूं और मैं लगातार जब से हुआ तब से मैं CITU के साथ संघर्ष में न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए काम किया, ये सरकार मोदी सरकार ने सारे खत्म कर दिए। ऐसा है, अभी तक जो हमारे पूर्वजों ने हमारे से पहले अंग्रेज़ों के टाइम से आंदोलन करके तमाम कानून 44 कानून बनाए थे मजदूरों के हित में, लेकिन अब जो लेबर कोड आया है मजदूरों के बारे में, ये तमाम अधिकार हमारे छीन लिया है। ये न्यूनतम वेतन का अधिकार छीन लिया है, ये परमानेंट नौकरी का अधिकार छीन लिया है। हाँ जी, मैं सुनील कुमार बादली क्षेत्र से आया हूँ और हमारा यहाँ इकट्ठा होने का आने का मकसद, केंद्र सरकार ने जो हमारे 44 श्रम कानून 4 कोर्ट में बदल दिया उसको रद्द करवाने की मांग लेके हम यहाँ तक अपना धरना प्रदर्शन करने आए हैं शांतिपूर्ण। बाकी हमारे लीडरों को पता होगा, हमें जो इतनी ही पता है, हमारा जो श्रम कानून मोदी सरकार ने ख़त्म कर रहे हैं वो 4 कानून में बदलना है, उसको हम रद्द करवाने की मांग लेके यहाँ तक आए हैं। मेरा नाम संजय कुमार है जी, मैं C2 से हूँ, एयरपोर्ट पर काम करता हूँ और वहाँ पर मजदूरों का शोषण हो रहा है जी।
35 साल से हम लगातार ठेकेदारी के अंदर आते हैं, और जबकि हमारा भारत सरकार का निकाला हुआ राजपत्र भी है, लेकिन उसको भी नहीं मानते हैं वो। वहाँ लगातार ठेकेदारी पे ठेकेदारी है, कहीं डायल की ठेकेदारी है, कहीं जीएमआर की ठेकेदारी है, कहीं सेल्वी की ठेकेदारी है, कहीं कंपनियों की ठेकेदारी है, एक उसके ऊपर कई ठेकेदार बैठे हुए हैं। मेरा नाम अनुराग सक्सेना है, जनरल सेक्रेटरी सीआईटीयू दिल्ली स्टेट। हमारा मानना ये है कि जो ये श्रम कानूनों के अंदर, लेबर लॉज के अंदर जो परिवर्तन किए गए केंद्र सरकार से, ये इसके चलते दोबारा से मजदूर कर्मचारी जो मेहनत कश वर्ग है, जो पिछले 150-200 सालों के संघर्ष में उन्होंने संघर्ष करके, आंदोलन करके, कुर्बानी करके जो हासिल किया, जैसे 8 घंटे का नियम बना काम का, मिनिमम वेजेस का नियम बना, समय से वेतन भुगतान का नियम बना, सामाजिक सुरक्षा ESI PF का नियम बना, इस प्रकार के जो नियम बने ये काफ़ी संघर्ष कुर्बानी के बाद बने, और ये कुर्बानी के बाद जो इतना संघर्ष करके ये चीज़ें बनी, ये दोबारा से सरकार हमारे को फिर 18वीं शताब्दी में धकेल रही है। मेरा नाम राज सिंह है, प्रेसिडेंट दिल्ली एयरपोर्ट से, CITU से, मैं दिल्ली एयरपोर्ट एम्प्लॉज यूनियन का। जो जो महामारी में, इस कोरोना काल में हुआ है, कम से कम भी हज़ारों की संख्या में बेघर हो गए हैं। जो लेडीज वहाँ सफाई कर्मचारी भी थे, उनके ऊपर भी बहुत बड़े हमले हुए रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती उनसे रिजाइन लिखवाया जा रहा है ताकि आपको दोबारा भर्ती कर लेंगे, ताकि उनको ग्रेजुएटी ना देनी पड़े, इस तरह के निर्णय। लेकिन वहाँ पर लोगों को रिटायरमेंट किया जा रहा है, लेकिन रिटायरमेंट तो किया जा रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के नाम पर उनको लूटा जा रहा है। उनके जो ग्रेजुएटी है, उनकी ग्रेजुएटी उनको दी नहीं जा रही है, और उनको ज़बरदस्ती उनके सिर पर साफा तो होता है, लेकिन 30 साल की सर्विस करने के बाद उसके पास कुछ नहीं होता। जाने के बाद जब घर पर जाता तो बिल्कुल बेसहारा होता है। हमारा नाम दिनेश कुमार है। हम देखो जी, 1998 से काम कर रहे हैं, हमें इनको नौकरी से हटा रहे हैं, हटा दिए हम सबको काम पर से, या 1 तारीख को सबको हटा दिए हैं। हम ये चाह रहे हैं सर कि हमारा कम से कम जो 20-9 साल होगा, हमें काम करते करते बाल पक गए हम सबके, यहाँ पर सोच रहे हमारी नौकरी हमें मिल जाए, समझे जी। यही आपके धन्यवाद है, यही समय आपसे सजाना चाहता हूँ।